हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपली शैडो। तो हम लोग अभी कैंप के मेन गेट से लेफ्ट की तरफ ना जाके आज हम लोग जा रहे हैं राइट की तरफ, और ये रहा कैंप की बॉर्डर मतलब बाउंड्रीज। तो हम लोग राइट साइड की तरफ जा रहे हैं और हम लोग दिखाएंगे राइट साइड की तरफ क्या है। एक सुंदर सा गांव है और साथ में है बस्तर जिले की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इंद्रावती रिवर, जिस रिवर को बस्तर की मतलब जीवनदायिनी भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी पहुँच गए हैं बस्तर जिले की वही इम्पॉर्टेंट नदी इंद्रावती रिवर में। तो ये सिर्फ बस्तर की नहीं, हमारे कैंप की भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस रिवर से ही कैंप का सारा पानी सप्लाई होता है। और बरसात के टाइम में पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ट्रांसमीटर पानी के नीचे रहता है, तो इस वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि पानी सप्लाई बंद हो जाने के कारण हम लोगों को काफ़ी मुश्किलें झेलना पड़ता है। तो ये रहा वो वाटर प्रोजेक्ट दूसरे कोबरा बैटालियन का। चलिए मैं आगे का व्यू दिखाती हूँ। देखिए इस रिवर के कारण आसपास के इलाके में कितना सारा मतलब खेतीबाड़ी होता है, बहुत ही अच्छा खेतीबाड़ी होता है। तो इस नदी को बस्तर जिले की जीवनदायिनी कहा जाता है इस वजह से। देखिए कितना बड़ा नदी है, ये बारिश के मौसम में पूरा भर जाता है, एकदम मतलब काफ़ी चौड़ा दिखता है ये नदी। और नदी के नीचे मतलब नीचे नहीं मतलब इस साइड में हम लोगों को काफ़ी सारे फिश भी देखने को मिले थे। और आगे देख सकते हो NMDC का वाटर प्लांट्स, इधर से वाटर सप्लाई किया जाता है। और ये जगह पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छी स्पॉट है, देखिए कितना सुंदर है। विंटर के टाइम पे इधर पिकनिक मनाना मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा।